सफलता हासिल करने के लिए अनस्टॉपेबल होना बहुत जरूरी है। अनस्टॉपेबल मतलब रुकना नहीं। अब्राहम लिंकन के बारे में बोला जाता है, अमेरिका के जो अध्यक्ष थे, 11 बार वो पराभूत हुए, असफलता उनको इलेक्शन में मिली और फिर 12वीं बार वो अमेरिका के अध्यक्ष बन गए। एक दरवाजा यदि आपके लिए बंद होता है तो दूसरे 10 दरवाजे खुले हुए आपको दिखने चाहिए और 10 दरवाजे खुले हुए दिखते ही है। मगर एक मधुमक्खी की तरह आप यदि अपना सर अपना सिर टकराते रहेंगे तो अपना सिर फूट के खून आते जाएगा, खून आएगा और बाद में आपकी मौत हो जाएगी, आपको सफलता नहीं मिलेगी। मैं कमरे में बैठा हुआ था और वहाँ बाहर से एक मधुमक्खी अंदर आने की कोशिश कर रही थी। वो जो खिड़की की कांच थी उसके ऊपर सर टप वो मार रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो कांच है इससे इसके थ्रू उसको मार मार के मैं थ्रू यहाँ से अंदर जाऊँ, और वो कोशिश कर रही थी कांच से अंदर आने की और उसकी कोशिश असफल हो रही थी। उसके बाजू में दरवाजा खुला था और वहाँ से नहीं आ रही थी। उसको लग रहा था कि भाई यहीं से अंदर जाने का, और अपना सिर मार मार के वो घायल हो रही थी। जिंदगी में हम तो ऐसे ही करते हैं, एक ही जगह हम सिर मारते बैठेंगे, मालूम है सफलता नहीं मिल रही है तभी भी वहीं सिर मारेंगे, बाजू में दरवाजा खुला है दूसरा वहां देखेंगे नहीं। एक बहुत बड़ा मंदिर था दुनिया में फेमस भगवान कृष्ण का, तो वहां एक घंटी बजाने वाला एक पुजारी था। वहां के ट्रस्टी बदल गए। ट्रस्टी बदलने के बाद में नए जो ट्रस्टी आ गए उन्होंने ये सोचा कि जो दुनिया में मशहूर ये मंदिर है यहाँ काफी लोग बाहर देश से भी आते रहते हैं और उनको हमारी देश की भाषा समझती नहीं है, तो हमारे यहाँ जो काम करते लोग हैं उनको सबको इंग्लिश आना चाहिए, और उन्होंने इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी कर दी। अब ये जो मंदिर का पुजारी जो घंटी बजाने कार्यक्रम करता था उसको भी उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि अंग्रेजी आपको सीखना ही पड़ेगी। ये बोला कि मुझे घंटी थोड़ी अंग्रेजी में बजाने की है, घंटी तो घंटी है, कोई भी आ गया तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो मैं यहीं रहूंगा, मेरा काम कर लो, मुझे अभी अंग्रेजी, मेरी उम्र हो गई है, अभी मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकता हूँ, इंग्लिश नहीं सीख सकता हूँ। बोले नहीं, रूल तो रूल, कायदा तो कायदा, कायदा कर लिया आपको, एक तो अंग्रेजी सीखो या तो फिर राजीनामा देके चले जाओ। आखिर उसको राजीनामा देके बाहर निकलना पड़ा। अभी उसको प्रॉब्लम आ गया कि करना क्या, मगर वो स्टॉप नहीं हुआ, वो अनस्टॉपेबल था। उसने बोला ठीक है, अभी मैं लोगों को क्या चाहिए वो देखता हूँ। उसने ऐसे लोगों को पूछा तो लोग बोले यहाँ पानी और चाय की व्यवस्था नहीं, इतना बड़ा मंदिर है। तो बोले ठीक है मैं ऐसा करता हूँ। उसने एक छोटी टपरी लाया, एक हाथ घड़ी लाया, उसके ऊपर चाय और पानी लोगों को देना चालू किया। इतना उसका धंधा होने लगा, इतना धंधा होने लगा कि कुछ चंद महीनों के अंदर ही उसने वहीं वो मंदिर के सामने जगह ले लिया, वहाँ लोग बैठ के भी चाय पीने लगे और उसने उसके साथ साथ कुछ नाश्ता भी चालू किया। वो भी इतना चलने लगा, इतना चलने लगा, इतना चलने लगा, वहाँ उसने बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल दिया। वो भी इतना चलने लगा, इतना उसने पैसा कमा लिया, उसका धीरे धीरे बढ़ते 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 5-स्टार होटल उसने खुद का खड़ा कर दिया। मंदिर में लोग आते थे तो कुछ विदेशी लोग जो मंदिर में आए थे वो 5-स्टार में होटल में उतरा करते थे, और वहाँ उन्होंने जब देखा कि इतना बड़ा होटल है, इतनी अच्छी रहने की व्यवस्था है और इतना अच्छा मैनेजमेंट है, क्यों ना हम ये मालिक जो है ये होटल का उसको मिले, इसलिए वो मालिक को मिलने के लिए वहाँ उसके चेंबर में गए। उन्होंने पूछा कि आप इतना अच्छा होटल है, इतना सब बड़ा मैनेजमेंट आपका है। बोले मुझे, उसने बताया वो जो दुभाषी था उससे ट्रांसलेटर की, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तो वो उसको बोलने लगे कि आपको अंग्रेजी यदि आती थी, यदि आप सीखते थे अंग्रेजी तो शायद और बड़ा होटल कर सकते थे, क्योंकि फिर काफी लोगों से आप बातचीत करके बहुत सारा आपको उपलब्ध हो सकता था। उसने बोला कि मुझे अंग्रेजी यदि आती थी तो मैं वो मंदिर में घंटा बजाने का कार्यक्रम चालू रखता। मुझे अंग्रेजी आती नहीं थी और अंग्रेजी मैंने सीखा नहीं, करके मैं 5-स्टार का मालिक। लोग स्टॉप जहां जहां हो जाते हैं वहां वहां अपना सत्यानाश कर लेते हैं, वहां उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जो अनस्टॉपेबल होते हैं, जो बोलते कि नहीं मैं वो करूंगा और करके ही रहूंगा। तो सफलता और असफलता के बीच में एक ही शब्द है और वो है भूख। यदि वो भूख लोगों को है कि नहीं मुझे सफलता होना ही होना है, चाहिए ही चाहिए, और उसकी भूख लगी हुई है, तो आदमी स्टॉप होगा नहीं, अनस्टॉपेबल रह के कुछ भी जिंदगी में कर पाएगा। ये हम लोगों को काउंसलिंग में, कोचिंग में बोलते रहते हैं, जिनको डिप्रेशन आया है असफलता के कारण उनको हम बोलते रहते हैं और उनका इलाज करते रहते हैं। आप भी ऑनलाइन काउंसलिंग कंसल्टेशन हमसे कर सकते हैं, नंबर नीचे दिए हुए हैं। हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल है जहाँ लोग आके उनके पेशेंट लोगों का इलाज हमारे यहाँ करते हैं, रिसारों के साथ में, रिसारों के अलावा भर्ती करके लोग इनका इलाज करते रहते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।